खबर सुहागपुर से। विधायक कप में सेमीफाइनल में पहुंची चौथी टीम दानिश 11। चौथे दिन के विधायक कप मुकाबले में पहला मुकाबला सिद्धि विनायक हतवास और दानिश 11 पिपरिया के बीच हुआ, जिसमें दानिश 11 पिपरिया ने अपनी जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला चावल पानी और बाबई के बीच हुआ, जिसमें चावल पानी ने जीत दर्ज की। तीसरा मुकाबला दानिश 11 पिपरिया वर्सेस चावल पानी के बीच हुआ, जिसमें दानिश 11 पिपरिया ने अपनी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कप का आयोजन किया जा रहा है, तीन टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, तो कुछ विस्तार देंगे, जानकारी देंगे कौन कौन सी टीम पहुंची है। जी बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मेहरा जी, और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि विधायक कप लगातार तीन दिनों से शोभापुर खिड़िया ग्राउंड पे जारी है, जिसमें पहले दिन सानवी इंटरप्राइजेस मटकुली ने दो मैच जीतकर अपनी एंट्री सुपर फोर टीमों में कराई है। दूसरे दिन लगातार दो मैच जीतने के बाद करणपुर, और तीसरे दिन आतंक क्रिकेट क्लब पिपरिया ने अपनी एंट्री दर्ज कराई है। आज चौथा मैच जो है वो हथवास वर्सेस पिपरिया के मध्य है, दानिश 11 के मध्य है, जिसमें दानिश 11 में अभी पहली बैट की है, कुछ रनों का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाएगा, अभी उनकी बैट चालू है। विधायक कप का ये आयोजन है और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग है उसमें। आपने 50 कहीं क्या कहेंगे, और इस टीम के सदस्य जो हैं उनने 50 भी बनाई है। अभी जो चलित है उनका मैच भी चल रहा है, चलित मैच में अभी भरत राय जी के द्वारा 50 बनाई गई है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकी टीम कर रहा है, लगभग अभी मेरी जानकारी में तो विशेष नहीं है, पर करीब 120 से ऊपर रन उनके हैं, 157 रन का लक्ष्य। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा टीम के लिए अच्छा किया, मेरी पारी जो रही टीम के लिए अच्छी रही, और बाकी जो है वो टीम के लिए करते ही हैं बल्लेबाज, बॉल अच्छी दिख रही थी तो इनिंग भी अच्छी आई मेरी, बस। आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।